Hello everyone, welcome back to the channel. Today in this video we are going to discuss about all the subjects which you are going to study in the second semester of BPharm. So be very patient, stay with us and let's learn what are the major subjects. So in this video we'll be dividing the subjects in two criteria, major subjects and the minor subjects. So the major subjects are human anatomy and physiology, organic chemistry, biochemistry, pathophysiology, कंप्यूटर एप्लीकेशन और इन्वायरमेंटल साइंस जो है वो इंटरनल्स के अंदर आएंगे जिनका आपको एक्सटर्नल एग्जाम नहीं देना है. सो यू कैन बी वेरी लीनियंट विद दीज पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स, मीन्स दिस कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड इन्वायरमेंटल साइंस, जस्ट फॉरगेट देम एंड फोकस अबाउट दीज अबव मेंशन्ड फोर सब्जेक्ट्स. ठीक है, तो आपको ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़नी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो बहुत न्यूली ऐड किया गया है और केमिस्ट्री का पार्ट है, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा दे हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ व्यू विद इट, बट यू डोंट हैव टू बी. ठीक है, आपको बिल्कुल नहीं डरना है. उसके बाद आता है बायोकेमिस्ट्री जो थोड़ा और डरावना हो जाता है, पर नहीं, क्यों डरावना है, क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत सारे साइकिल्स के बारे में पढ़ना होगा. ठीक है, साइकिल्स जो बहुत लंबे लंबे रिएक्शंस होते हैं, ये रिएक्शंस कैसे हो रहे हैं आपकी बॉडी में, ग्लूकोज कैसे मेटाबोलाइज हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स का क्या फंक्शन है, यूरिया साइकिल क्या है, ग्लाइकोजिनोलिसिस क्या है, ग्लाइकोलिसिस क्या है, लिवर में कौन कौन से रिएक्शंस चल रहे हैं. ठीक है, तो ये सब द सीरीज ऑफ रिएक्शंस आप बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ रहे होंगे. पैथोफिजियोलॉजी और वन ऑफ द माई फेवरेट सब्जेक्ट इज दिस. ठीक है, तो जब आप ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ते हुए एक नॉर्मल ह्यूमन बींग की, ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी क्या लेके आता है, जब आपकी बॉडी में कोई डिजीज है, ठीक है, या जितनी भी नंबर ऑफ डिजीजेस आप पढ़ोगे तो वो सब आप पैथोफिजियोलॉजी के अंदर पढ़ोगे. मतलब अगर किसी इंसान को या किसी पेशेंट को कोई डिजीज है, किसी इंडिविजुअल को कोई डिजीज है, तो वो किस तरह के सिम्टम्स शो कर रहा होगा, किस किस तरह से आप उन सिम्टम्स को डायग्नोइज कर पाओगे, ठीक है, उसके बाद आप उसे ट्रीटमेंट किस तरह से दोगे, और सबसे ज़रूरी चीज़ उसकी होती है पैथोजेनेसिस. पर्टिकुलर डिजीज किस कारण हो रही है, उसकी एटियोलॉजी क्या है, उसका कॉज क्या है, उसके रीजंस क्या है, ये सब आप किसके अंदर पढ़ोगे, पैथोफिजियोलॉजी के अंदर पढ़ोगे. उसके बाद आता है कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड फार्मेसी. तो कंप्यूटर जो कि एक बहुत बहुत वर्सेटाइल सी चीज़ है जिसे सबको आना चाहिए, दिस टाइम इज गोइंग टू बी अ टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस. ठीक है, द टाइम ऑफ AI, सो वन हैज़ टू बी वेरी नोन विद द कंप्यूटर एप्लीकेशन इन फार्मेसी. फॉर द नेक्स्ट एनवायरमेंटल साइंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेजुएशन में सबको इसका एग्जाम देना होता है, इधर इन एनी ऑफ द स्ट्रीम. तो एनवायरमेंटल साइंस इज मैंडेटरी टू यू एंड इट्स गोइंग टू बी इंटरनल, सो दो आपको किसी भी तरह कोई टेंशन नहीं लेना है, जस्ट फोकस ऑन द अबव मेंशन फोर सब्जेक्ट्स. ठीक है, तो अब हम इंडिविजुअली देखेंगे कि हम ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें पढ़ने वाले हैं. तो ह्यूमन एनाटॉमी में अभी तक आपने जो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है, आपने क्या क्या पढ़ा है फर्स्ट सेमेस्टर में, आपने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में पढ़ा है, आपने हीमोस्टेसिस होम्योस्टेसिस के बारे में पढ़ा है, आपने ब्लड कॉम्पोनेंट्स के बारे में पढ़ा, ठीक है, आपने एबीओ ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ा, और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपने पढ़ा, आपने जॉइंट्स के बारे में पढ़ा, आपने सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा, स्पेशल सेंसेस के बारे में पढ़ा, आपने स्किन के बारे में बात की, ठीक है, इन सब के बारे में आपने बात की. फर्दर नेक्स्ट जो भी बचा हुआ सेक्शन है वो आप APP या फिर HAP 2 में डिस्कस करेंगे. ठीक है, इसके अंदर टू यूनिट फर्स्ट है नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू मेजर सेक्शंस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. ठीक है, उसके बाद एक ENS भी आता है जिसे इंडायरेक्ट नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं. तो नर्वस सिस्टम इज समथिंग विच इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ योर बॉडी एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो हम फर्दर आगे आने वाली क्लास में जब हम इनका डिटेल्ड वीडियो देख रहे होंगे तो हम नर्वस सिस्टम के बारे में वहाँ पर पढ़ेंगे. फर्दर नेक्स्ट यूनिट 2 में आप डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ोगे, वॉट आर द मैकेनिकल डाइजेशन, हाउ इट गोज ऑन, केमिकल डाइजेशन कैसे काम करता है, बायोलॉजिकल डाइजेशन क्या है. ठीक है, ये सब आप कहाँ पे पढ़ोगे, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ोगे, आप उसका एनाटॉमी फिजियोलॉजी सब पढ़ रहे होंगे. फिर हम देखेंगे यूनिट 3 में रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, रेस्पिरेशन, आपका एंटायर लंग्स, ट्रैकिया, उसके पार्ट्स, यूरिनरी सिस्टम, नेफ्रॉन की यूनिट्स, फर्दर नेक्स्ट वुमेन्स कैप्सूल, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, इन सब के बारे में हम ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे. यूनिट 4 में आप देखेंगे एंडोक्राइन सिस्टम क्या है. एंडोक्राइन सिस्टम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेक्ट्स दैट ऑल द काइंड ऑफ हॉर्मोनल चेंजेस इनसाइड योर बॉडी.
आपके बॉडी में बहुत सारे ग्लैंड्स हैं और उन ग्लैंड से एक स्पेशल काइंड ऑफ हार्मोन रिलीज होता है, न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज होता है जो किसी ना किसी स्पेशल फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, सपोज आपकी बॉडी में थायरोक्सिन रिलीज हो रहा है थायरॉइड ग्लैंड से, उसका फंक्शन क्या है, बॉडी में ग्रोथ कराना और बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में हेल्प करना। फर्दर नेक्स्ट आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर निकल के आता है जिसे आप बोलते हैं इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन का जब भी डिक्रीज होता है बॉडी में या फिर आपकी जो बीटा सेल्स वो डैमेज हो जाती हैं उसकी वजह से होती है एक डिजीज, उस डिजीज का नाम क्या है, डायबिटीज। सही पकड़ा है आपने बिल्कुल। तो जो आपका जो सब्जेक्ट है वो इस तरह से डिजाइन किया गया है कि सबसे पहले आप ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ेंगे एक नॉर्मल इंडिविजुअल की, उसके बाद आप पैथोफिजियोलॉजी पढ़ेंगे और व्हाट आर यू विल बी स्टडिंग अबाउट द डिजीज एसोसिएटेड विद एंडोक्राइन सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम। सपोज आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम HAP सेकेंड में आपने यहाँ पे Unit 3 में पढ़ा रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। फर्दर नेक्स्ट जब आप पैथोफिजियोलॉजी का Unit 3 पढ़ रहे होंगे वहाँ पर आप देखेंगे कि आप कौन कौन सी डिजीजेज आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करती हैं, जैसे कि अस्थमा, COPD, कोविड वैक्सीन जो आई है इट इज सम हाउ रिलेटेड विद द रेस्पिरेटरी डिजीज। ठीक है, फर्दर नेक्स्ट हम चलेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, यूनिट फाइव, यहाँ पे आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में और जेनेटिक्स के बारे में पढ़ रहे होंगे। सिमिलरली जब आप पैथोफिजियोलॉजी पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पर आप डिजीजेज एसोसिएटेड विद रिप्रोडक्टिव सिस्टम और जेनेटिक्स, कौन कौन से म्यूटेशनल चेंजेस की वजह से कौन कौन से जीन्स और क्रोमोसोम्स में डिफरेंस आ जाता है, मियोसिस माइटोसिस आप सेमेस्टर फर्स्ट में पढ़ चुके हो, उसकी वजह से क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स की वजह से कौन कौन सी डिजीजेस हो सकती हैं, वो सब हम ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में पढ़ रहे होंगे इस सेमेस्टर में। फिर नेक्स्ट जो एक बहुत ही मेजर और वर्सेटाइल सब्जेक्ट आता है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसका कोड BP202T है आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। जैसे कि आपने IPC में पढ़ा था फर्स्ट सेमेस्टर में इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में, उसी तरह ऑर्गेनिक का इंट्रोडक्शन आपके सब्जेक्ट में कोर सब्जेक्ट में इंट्रोड्यूस किया गया है जिसमें सबसे पहले यूनिट में आप नॉमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ रहे होंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगर आप बेसिक इंट्रोडक्शन देखें तो इट इज अ काइंड ऑफ केमिस्ट्री विच इज एसोसिएटेड विद कार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। इट्स अ स्टडी एसोसिएटेड विद कार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स, तो उसे क्या बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सबसे पहले किसी एक हिस्ट्री में ये कहा गया कि आप कार्बन या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में सिंथेसाइज नहीं कर सकते। ठीक है, सबसे पहले एक इट वॉज अ मेथ कि आप कार्बन सॉरी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में इंट्रोड्यूस नहीं या फिर लैब में जनरेट नहीं कर सकते। फिर एक साइंटिस्ट आए जिन्होंने यूरिया को अपने लैब में जनरेट किया या फिर उसे उसका डिस्कवरी किया या फिर उसे किसी तरह से सर्टेन रिएक्शंस को इम्प्लीमेंट करा के उन्होंने यूरिया को डायगोनाइज किया कि हाँ यूरिया हम बना सकते हैं, यूरिया को हमने लैब में बनाया जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था। तो अगर यूरिया बन सकती है तो और भी चीज़ें बन सकती हैं, तो वहाँ से सिंथेसिस और बहुत सारे कंपाउंड्स का सिंथेसिस स्टार्ट हुआ और यहाँ वहाँ से स्टार्ट हुआ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जर्नी। तो यूनिट टू में हम एल्केन्स, एल्कीन्स और कॉन्जुगेटेड डाइन्स के बारे में पढ़ रहे होंगे। ठीक है, एल्केन्स बेसिकली द सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड्स, एल्कीन्स आर द डबल बॉन्डेड कंपाउंड्स, कॉन्जुगेटेड डाइन्स जो एक उनका एक डिफरेंट काइंड ऑफ क्राइटेरिया होता है। ठीक है, कॉन्जुगेटेड डाइन्स डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, हेक्सेन या फिर आपका जो बेंजीन इज द वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल। फर्दर नेक्स्ट यूनिट थ्री में आप एल्केलाइड्स और एल्कोहल के बारे में पढ़ रहे होंगे, कार्बोनिल कंपाउंड्स के बारे में, कार्बोक्सिलिक एसिड, एलिफैटिक एमीन्स के बारे में पढ़ रहे होंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस अगर आप ध्यान से देखें तो आप मेमोराइज कर पाएंगे कि ये सारी चीज़ें आपने क्लास 12th में पढ़ रखी हैं, क्लास 11th और 12th की NCERT में अब ये सारी चीज़ें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट हम यहाँ पर उसका रीकैप देखेंगे। और अगर आपके पास उसके नोट्स हैं तो बेसिकली आप उसे बिल्कुल रिवाइज करिए और ये आपकी काफ़ी हेल्प होने वाली है उससे। फर्दर नेक्स्ट जो एक बहुत ही मेजर और वास्ट टॉपिक जिससे लोग सबसे ज़्यादा डरते हैं वो है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री के अंदर आप बायो मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ रहे होंगे, बायो एनर्जेटिक्स के बारे में पढ़ रहे होंगे। तो बायो मॉलिक्यूल्स या फिर बायोकेमिस्ट्री, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ऑल काइंड ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस कंटिन्यूइंग या गोइंग थ्रू इनसाइड योर बॉडी इज कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री के अंदर कार्बन, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट क्या कैसे कहाँ टूट रहा है, उसमें कौन कौन सी रिएक्शंस इन्वॉल्व हैं, ठीक है, वो सब इवन आपने रेस्पिरेशन की, आपने ऑक्सीजन इनहेल किया, ऑक्सीजन आपकी बॉडी में जाकर किस ग्लूकोज को या किस कार्बोहाइड्रेट को किस बॉडी को कहाँ तोड़ रही है, कैसे तोड़ रही है और उससे कैसे ATP निकल रहे हैं, कितने ATP निकल रहे हैं, वो सब आप यहाँ पर बायो एनर्जेटिक्स के अंदर पढ़ रहे होंगे। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन, ठीक है, लिपिड मेटाबॉलिज्म, अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म, फिर यूनिट 4 में आप न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एंड ट्रांसफर, ये सब इसका ब्रीफ रिव्यू हम देखने वाले हैं आगे आने वाली क्लासेस में। फर्दर नेक्स्ट और जो लास्ट और मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में मैंने पहले आपको बताया, पैथोफिजियोलॉजी विच इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एसोसिएटेड विद डिजीज। ठीक है, तो पैथोफिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डिजीजेस।
एंड हाउ द डिजीज इज अफेक्टिंग अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल, आपके सेल्स को मॉलिकुलर लेवल पे कैसे इफेक्ट कर रही है आपकी डिजीज या कोई भी डिजीज, तो हम पैथोफिजियोलॉजी के अंदर उसका पैथोजेनेसिस देख रहे होंगे, उसका एटियोलॉजी देख रहे होंगे, उसके सिम्टम्स देख रहे होंगे, कौन कौन से सिम्टम्स आ रहे हैं उस इंसान को या उस पेशेंट को जिसे ये डिजीज हुई है। उसके बाद हम देख रहे होंगे कि उस डिजीज को हमने डायग्नोज कैसे करना है, हमें प्रिवेंट कैसे करना है, हमने किस तरह से हम एक्सरे के थ्रू करेंगे, हम स्पुटम टेस्ट करेंगे, हम लगा रहे होंगे या फिर ब्लड टेस्ट के थ्रू करेंगे, इन सारे ये सारे फंक्शंस हैं या ये सारे वाइटल्स हैं जिनकी हेल्प से हम पता लगा सकते हैं कि हाँ वो फिजिकल अपीयरेंस है या कुछ फिजिकल सिम्टम्स होंगे, कुछ केमिकल टेस्ट लगाएंगे तो हमें पता चलेगा हाँ ये कन्फर्म करेंगे ये डिजीज है। उसके बाद हम उसके अंदर क्या कर रहे होंगे, पता चल गया डायग्नोज हो गई डिजीज, तो अब हम क्या करेंगे उसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो सबसे पहले चीज क्या बोला जाता है, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो सबसे पहले आप कोशिश करिए आप प्रिवेंट करें डिजीज होने से, और सबसे जरूरी चीज आफ्टर डायग्नोसिस ट्रीटमेंट क्या प्लान होगा, क्या अप्रोच होगा ट्रीटमेंट का, वो सब हम इस सब्जेक्ट में देख रहे होंगे। ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू बी फन, द जर्नी इज ऑलवेज गोइंग टू बी वेरी फन, एंड अगर आपका साथ नहीं होगा तो वी आर नेवर गोइंग टू कम्प्लीट दिस जर्नी अलोन। ठीक है, तो हमारा एक म्यूचुअल एफर्ट होना चाहिए, हमारा डेडिकेशन होना चाहिए सब्जेक्ट को लेके, क्योंकि पैथोफिजियोलॉजी एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और आपके लिए बहुत जरूरी है, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी अ फ्यूचर मेडिकोस। ठीक है, सो स्टे कनेक्टेड विद अस, डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग पेशेंस, थैंक यू सो मच।